देखो टैबलेट लेने की तो सोच लिया है पर समझ नहीं आ रहा कौन सा टैबलेट लूं, तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करने वाली है एक अच्छा टैबलेट लेने में। एंड मैंने अभी तक जिससे भी पूछा है, मोस्टली लोग टैबलेट या तो क्लास करने के लिए लेते हैं या फिर उनको गेमिंग या मूवीज देखने के लिए कोई टैबलेट चाहिए होता है। पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको वो टैबलेट्स भी मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। सो अपनी लिस्ट में सबसे पहला टैबलेट आपको ऑनर की तरफ से मिल जाता है, इसका नाम है ऑनर पैड X9। अब ये टैबलेट मल्टीमीडिया के साथ क्लासेस अटेंड करने के लिए भी काफी बढ़िया ऑप्शन है। प्राइसिंग इसके करंटली 19,000 देखने को मिल रही है। एंड भाई इस बजट में ये टैबलेट आपको मेटल बिल्ड के साथ देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और इसमें आपको कवर अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको फ्री में ही मिल जाता है, तो काफी बढ़िया चीज है ये भी। बाकी इस टैबलेट में आपको 11.5 इंचेस की 2K 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 400 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB के साथ आता है। 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है ये, एंड इसमें आपको 5GB वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि डेली डे टू डे टास्क में एंड थोड़ी बहुत गेमिंग करवा देगा। एंड इसमें आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं। एंड्रॉइड 13 पर ये टैबलेट आता है। मैजिक UI 7.1 के साथ ये टैबलेट आपको मिल जाएगा, जो कि ऑनर का एक न्यू UI है। बाकी 5 MP का फ्रंट कैमरा एंड 5 MP का बैक कैमरा दिया गया है, एंड दोनों से आप मैक्सिमम 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 7250mAh की बैटरी मिल जाएगी 22W के एडाप्टर के साथ, तो ओवरऑल जो टैबलेट है वो काफी बढ़िया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जो नेक्स्ट टैबलेट है वो आपको रियलमी की तरफ से मिल जाएगा, ये है रियलमी पैड 2। अब ये टैबलेट एक काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आपको एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला टैबलेट चाहिए। और भाई इसकी प्राइसिंग भी काफी गिर गई है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो इसका वाईफाई वाला वेरिएंट 20,000 का देखने को मिलता था, पर आजकल ये आपको बस 17,000 का ही देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी बढ़िया चीज है अपने लिए जिनको कि टैबलेट खरीदना है। कंप्लीट मेटल बिल्ड में ये टैबलेट आपको मिल जाएगा। एंड इस टैबलेट के अंदर आपको 11.5 इंचेस की एक 2K 120 हर्ट्ज वाली एक IPS डिस्प्ले दी गई है, जो कि 450 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको G99 का चिपसेट मिल जाएगा। 6GB 128GB वाला ये वेरिएंट है, क्वाड स्पीकर्स के साथ ही आता है। एंड 8 MP का आपको रियर कैमरा एंड 8 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, एंड दोनों से आप 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 8360mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वैसे ये टैबलेट एक 4G टैबलेट है, एंड इसका वाईफाई प्लस LTE वेरिएंट आपको 20,000 का मिल जाएगा। एंड अगर आपको वो टैबलेट चाहिए तो उसकी बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हो सके तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ये एक काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज है कि काफी लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, लगभग 99% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो ऐसा मत करो मेरी जान, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर से सेट कर लेना, ठीक है। भाई ने बोला करने का तो करने का। वही अगला जो टैबलेट है वो आपको वन प्लस की तरफ से मिल जाएगा, ये है वन प्लस पैड गो। अब इस प्राइस में आपको वन प्लस का टैबलेट मिल रहा है, और क्या चाहिए, टैबलेट की करंट प्राइसिंग आपको 20,000 देखने को मिल जाएगी, इसका 8GB 128GB वाला वेरिएंट। वैसे तो ये टैबलेट पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है, पर ये आपको काफी हद तक मेटल एंड ग्लास वाली फील देने वाला है। बाकी इस टैबलेट को चेक करें तो इस टैबलेट में आपको 11.35 इंचेस की एक 90Hz वाली 2.4K IPS डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। मीडियाटेक G99 का प्रोसेसर मिल जाता है आपको इस टैबलेट में। 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। 8 MP का फ्रंट एंड 8 MP का बैक कैमरा मिल जाएगा आपको इस टैबलेट में, एंड दोनों से आप 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, एंड वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ। 8000mAh की बैटरी एंड 33W का फास्ट चार्जिंग भी आपको इसमें मिल जाता है, तो ओवरऑल काफी बढ़िया टैबलेट है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। परफॉर्मेंस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड पर्सनली मुझे तो इसके लुक्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसे ही लुक्स आपको वन प्लस के 40,000 वाले टैबलेट का भी देखने को मिलता है, तो काफी प्रीमियम फील करवाने वाला है आपको ये टैबलेट, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ अब जो सबसे बेस्ट टैबलेट है मेरे अकॉर्डिंग वो आपको लेनोवो की तरफ से मिल जाता है। अरे भाई अब लेनोवो के टैबलेट्स में पहली वाली बात नहीं रही, ये एकदम लेटेस्ट टैबलेट है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एंड दिस टैबलेट फीचर्स ए स्टर्डी मेटल बॉडी विद ए स्लीक मॉडर्न डिजाइन, तो दिखने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। बाकी इस टैबलेट को बाय करने के लिए आपको अपना बजट थोड़ा सा और इंक्रीज करना होगा, क्योंकि करेंटली ये आपको 21,000 का मिल रहा है, इसका 8GB 128GB वाला वेरिएंट। बाकी टैबलेट के अंदर आपको 11.5 इंचेस की एक 2K 90Hz वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 400 निट्स के ब्राइटनेस के साथ आता है। सेम हीलियो G99 का प्रोसेसर मिल जाएगा, 8GB 128GB वाला वेरिएंट है। 8 MP का बैक एंड 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, एंड दोनों से आप 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी टोटल इसमें आपको 8JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं, मतलब ये मिनी ब्लूटूथ स्पीकर का काम कर देगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये एंड्रॉइड 14 पर आता है। बाकी 8600mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 45W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, एंड चार्जर भी आपको बॉक्स में ही मिलता है। तो इन शॉर्ट एक काफी बढ़िया टैबलेट है, इसमें आप मीडियम लेवल की गेमिंग भी कर सकते हो, बाकी क्लासेस वगैरह अटेंड करने के लिए तो बेस्ट
बेस्ट टैबलेट है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 4 टैबलेट को देखा जो कि 20,000 के बजट में बेस्ट है। बाकी इनमें से कौन सा बाय करे तो मेरे अकॉर्डिंग आपको लेनोवो या वन प्लस इन्हीं दोनों में से कोई एक टैबलेट लेना चाहिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर से बताना कि आपको कौन सा टैबलेट पसंद आया एंड आप कौन सा टैबलेट ले रहे हो। तब तक के लिए अगर आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो।